फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने ये दिवाली मेकअप लुक क्रिएट किया है, मैं सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दिखाई दे रही हूँ मैंने कैसे क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊँगी रोज़ वाटर। यहाँ पे मैं डाबर का रोज़ वाटर लगा रही हूँ और अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा फेस जो थोड़ा डल लग रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। के बाद अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने आयुर का मॉइस्चराइज़र लिया है, तो इससे भी मैं हल्के से फेस पे अच्छे से डैप डैप करके लगा लूँगी। तो इस तरह से हम अच्छे से लगा लेंगे और ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है। इसमें मैंने कोई ब्रश कोई अब आती है प्राइमर लगाने की बारी, तो मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं करूँगी, ये बहुत सिंपल सा मेकअप है और ये मेकअप उन लोगों के लिए जिनको मेकअप नहीं आता है तो वो बस इस तरह से सिंपल सा मेकअप कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम लगा रही हूँ, तो ये है गार्नियर की क्रीम, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे ही लगा ले रही हूँ। तो बस इसे ही मैं लगा करके डैप डैप करके अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी और इसके बाद मैं कोई फाउंडेशन कोई कंसीलर नहीं लगाऊँगी, बस इसी से मैं यही मेरा मेकअप का बेस है, मैं इसी से अपना मेकअप कर रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा। और लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट मैंने लैक्मे का यूज़ किया है और ये जो कॉम्पैक्ट है मैं डैप डैप करके अच्छे से पूरे फेस पर लगा ले रही हूँ। तो इसी तरह आपको भी पूरे फेस पे लगा लेना है। और ये मैंने मेकअप लुक मैंने बस बहुत जल्दी 5 मिनट में ये मेकअप लुक क्रिएट कर लिया है। तो आप भी चाहे तो 5 मिनट में ये मेकअप लुक क्रिएट कर। पाउडर और लूज़ पाउडर के मैंने लिया है पॉन्स का पाउडर, तो यहाँ पे मैं पॉन्स के पाउडर को अच्छे से फेस पे पूरे लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है। और इसके बाद फिर मेकअप की बारी, तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे आई शेडो लिया है जो कि पिंक कलर का है और यहाँ पे जो मेरा ड्रेस था वो पिंक कलर का था, तो मैं आई मेकअप भी पिंक ही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने फिंगर से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही हो तो हम मेकअप कर सकते हैं, हमारे पास जो है सिंपल सी जो नॉर्मल जो रहते हैं उससे भी हम बहुत अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा शेडो था वो अच्छे से लग चुका है, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया है और उससे मैं अच्छे से लगा लूँगी। और मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबी विंग नहीं बना रही हूँ, बस हल्का सा ही छोटी सी विंग बना रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा मेकअप है। और इस तरह से हम विंग बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने आईलाइनर कितनी जल्दी आसानी से लगा लिया और बहुत ही ये सिंपल है आईलाइनर लगाना। और इसी तरह हम यहाँ पे अपने आईज़ के कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करके नीचे भी इसी तरह हम आईलाइनर को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप 2-3 बार आप इस लगा सकते हैं ताकि आपका जो आईलाइनर है वो डार्क दिखे। और मैं यहाँ पर नीचे की आईज़ पर लगा रही हूँ, तो ये देखिए मेरे नीचे की भी आईज़ में आईलाइनर मैं लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से हम अपने आँख देखिए यहाँ पे मैं हल्की सी जो है विंग निकाल रही हूँ आँख के फर्स्ट कॉर्नर में। और इसी तरह हमारा जो है उसके बाद फिर मैं काजल अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए हमारा नीचे भी अच्छे से काजल लग चुका है, तो आप चाहे तो इसे ना भी लगा सकती हैं लेकिन मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ। तो ये रहा मेरा जो काजल है वो लग चुका है, आईलाइनर लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपनी आईब्रो को फिल करने, और आईब्रो को फिल करने की मैंने ADS की आईब्रो पेंसिल ली है, तो मैं से अपने आईब्रो को अच्छे से मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो आप भी अपने आईब्रो के जैसा आपका आईब्रो उसके अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी आईब्रो भी कटी हुई है जैसे मेरी कटी हुई है तो आप वहाँ पे उसको अच्छे से आईब्रो पेंसिल को उससे भर लें। यहाँ पे मैं अपने चीक्स पे लगाने जा रही हूँ, ये है पीच सीड, और पीच सीड को मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ ताकि हमारे चीक्स से वो हल्का पिंकिश टाइप का लगे। तो इसलिए मैंने अपने दोनों का
चिक्स पर अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाया है ताकि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगे। वाटर लाइन पे काजल लगाने, और काजल के लिए भी मैंने ब्लू हेवन का काजल लिया है, तो मैंने यहाँ पे अपनी आँखों में अच्छे से लगा लिया है। तो ये देखिए, अब लगाने के बाद यहाँ पे मैं हल्के से नोज पे गोल्डन शेड ले रही हूँ जो हल्का हल्का साइन करे। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्की हल्की लगाना है क्योंकि ये सिंपल मेकअप है। तो ज़्यादा जा रही हूँ लिप लाइनर लगानी है। लिप लाइनर के लिए मैंने ब्राउन सेट लिया है, और ये भी ADS की लिप लाइनर है। तो यहाँ पे मैंने ADS की लिप लाइनर ली और अच्छे से अपनी लिप को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है ताकि जो हमारा लिपस्टिक वो अच्छा सेप दे। नेक्स्ट सेट की लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि क्रियोन है, तो मैं इसे अच्छे से अपने ओठ पे लगा लूँगी। और लिपस्टिक लगाते समय पता नहीं मेरे ओठ पे क्या आ गया था, तो मुझे ध्यान ही नहीं था। तो मैंने बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैं देखी। ये देखिए, हमारा जो है बाद लगा रही पिंक सेट, और ये कुछ इस कलर की है, तो मैं इस कलर को लगा लूँगी। और मैंने पहले रेड इसलिए लगाया था क्योंकि मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक का कलर है वो चेंज करना चाहती थी, क्योंकि ये जो लिपस्टिक है मुझे उतना नहीं पसंद है। तो ये देखिए, हमारा जो लिपस्टिक का कलर है वो थोड़ा दूसरा आ रहा है। लूँगी बैंगल्स, तो ये रही मेरी बैंगल्स, डाल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल से छोटे छोटे टॉप्स जो है वो डाल रही हूँ, और यहाँ पे कोई लॉन्ग टॉप्स नहीं पहन रही हूँ। तो ये रही मेरी टॉप्स, और ये रहे मेरे बैंगल्स, कंप्लीट हो गया है। और ये रहा मेरा ड्रेस। तो ये देखिए, मेरा मेकअप आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।